हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी के दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि चैनल ने 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं आप सभी के सपोर्ट से। तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर का, जो कि मुझसे जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और उससे भी बड़ी खुशी की वजह यह है कि आज MSc केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि MSc केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए फाइनली कहीं से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि मुझे कई सारे सब्सक्राइबर लगातार ये कमेंट करते थे कि सर, आप बहुत सारे टिप्स बताते हो, इंटरव्यू के लिए टिप्स बताते हो, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तो उन टिप्स का यूज़ क्या होगा। तो मैं सभी को यही बोलता हूं कि फ्रेंड्स, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल कभी भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने एंड पर पूरी तैयारी करके रखनी है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि MSc केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है। R&D मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये वैकेंसी है। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। दैट मीन्स ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस से रिलेटेड वैकेंसी होगी, और ये जो वैकेंसी होगी वो सिंथेसिस लैब में होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वैकेंसी कहाँ पर है। तो ये वैकेंसी है ओरिजिन ड्रग डिस्कवरी, एक कंपनी है वहाँ पर ये वैकेंसी है। जॉब लोकेशन जो है वो इसकी हैदराबाद और बेंगलोर, ये दोनों जॉब लोकेशन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो MSc केमिस्ट्री, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन तीनों में से आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन है, जनरल आपने MSc केमिस्ट्री किया है, आप सभी एलिजिबल हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 60% या अबोव होना चाहिए, और आपका रिजल्ट अवेटेड नहीं होना चाहिए। आप MSc केमिस्ट्री 2020 और 2021 पास आउट होने चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके सभी सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है, और इसके अलावा आपके कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जॉब लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि हैदराबाद और बेंगलोर है। अब ये जो इंटरव्यू होंगे, ये होंगे 19 सितंबर 2021 को, टाइमिंग 9 बजे से 2 बजे तक होगा, और इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट दिया जाएगा। रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे वहां से एक स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा आपको जो है वो इंटरव्यू में जाने से पहले COVID-19 नेगेटिव की रिपोर्ट चाहिए होगी, RT-PCR, या फिर अगर आपने दोनों ही डोज, आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो है, जो सर्टिफिकेट है, उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिएगी, यानी कि आप 10th, 12th, BSc, MSc की जो है वो फोटोकॉपी मार्कशीट आपको चाहिएगी, और इसके अलावा आपको जो है वो अपना रिज्यूम चाहिएगा और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगा। ये सभी जो चीजें हैं वो आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगी। और जो इंटरव्यू का प्लेस है कि इंटरव्यू कहां पर होगा, वो यहां पर मैं आपको एक जॉब नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। तो उस जॉब नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इंटरव्यू का प्लेस, और इसके साथ साथ यहां पर एक ईमेल आईडी भी दी गई है। इस ईमेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम पहले शेयर कर सकते हैं। तो ये जो जॉब नोटिफिकेशन है, इसका पता मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही चला है। कंपनी के ही HR ने ये वैकेंसी पोस्ट की थी, इसलिए मैं आपको कंटिन्यूसली कहता हूं कि लिंक्डइन पर आप उन कंपनियों को फॉलो कीजिए जो केमिस्ट्री की फील्ड में काम करती है, या फिर आप जिस भी फील्ड में जॉब चाहते हैं उससे रिलेटेड जो टॉप कंपनीज है उनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो MSc केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है। और जॉब नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि R&D मेडिसिनल केमिस्ट्री लिखा हुआ है, यानी कि इससे यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो वैकेंसी होगी वो सिंथेसिस R&D में ये वैकेंसी होगी। सिंथेसिस R&D क्या होता है, उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस के द्वारा ये समझ सकते हैं कि वहां पर जॉब क्या होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये MSc केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, जो कि 2020-2021 पास आउट है, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आप सिंथेसिस की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जॉब नोटिफिकेशन में आप इंटरव्यू के प्लेस के बारे में देख सकते हैं, वर्क लोकेशन के बारे में देख सकते हैं, और आई थिंक सारे आपके जो डाउट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, वो भी मैंने इस वीडियो में दूर कर दिए। जॉब नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आप वहां पर जाकर भी ये वैकेंसी के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो MSc केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट नहीं है, तो आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ना जाने कोई ऐसा स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है जो कि जॉब के लिए सर्च कर रहा हो। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने कि 20,000 सब्सक्राइबर की इस जर्नी में मेरा साथ दिया।